नाग लपेटा खावे आधी आधी रात ने, यानी नाग पहाड़। सुने रहे के नाम नाग आती रात ने लपेटा खाए गिरा गाना काटनिया भी जोर का जोर तेरे इसी तो मैं ही करा दू। तू करा दे भाई। अरे मुना इसी मैं पढ़ा दू। अरे तो अच्छी बात है, मैं कब कह रहा हूँ कि कोई नहीं पढ़ा सकता, और भी आएंगे बहारों की कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले, हमसे बेहतर पढ़ाने वाले। मैं कोई सिकंदर थोड़ी हूँ, और भी सिकंदर आएंगे एग्जाम में। तो तू करा, अच्छी बात है, तू भी करा दो। इसमें क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात हो गई, बहुत अच्छी बात है। जितना अच्छा पढ़ाते हो मैं सम्मान करता हूँ आपका, जितने अच्छे आप, तो इसमें कोई मैं कोई अहंकार थोड़ी है कि मैं मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। अरे बहुत है हजारों में जो प्रतिभाएं दब गई, बहुत ऐसे लोग। हाँ अच्छा, टीचर चोखा को नहीं यार, ये टीचर को चोखो को जो किए हुए, क्या कभी कोई टीचर अच्छा बुरा होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता होता है। स्टूडेंट होते हैं अच्छे या बुरे, टीचर कभी अच्छा बुरा नहीं होता, सारे टीचर अच्छे होते हैं। जो टीचर रजिस्टर लेके पढ़ाते हैं उनके पढ़ाए हुए भी सिलेक्शन होते हैं, जो बैठकर पढ़ाते हैं उनके पढ़ाए हुए भी सिलेक्शन होते हैं, जो सिर्फ इतना ही कहते हैं कल ये पढ़ के आना पूछूंगा, उनके पढ़ाए हुए के भी सिलेक्शन होते हैं। टीचर का कोई अच्छा बुरा नहीं होता। आप दूसरे ऐप के अंदर या दूसरे टीचरों में कमियां निकालते हो, और जो अध्यापकों के लिए ये कहता है कि आप सस्ते कोर्स ले रहे हो वहां टीचर अच्छे नहीं है, तो फिर उससे घटिया और कौन होगा? क्या टीचर कोई अच्छा बुरा होता है यार? टीचर सारे एक जैसे होते हैं। किताबों में भी कोई अच्छी बुरी नहीं होती, सब किताबें एक जैसी है। किसी में थोड़ी सी भाषा टफ है, किसी में इजी है, किसी में दो बात कम है, किसी में दो बात ज्यादा। कोई टीचर दो बात कम बताएगा, कोई टीचर दो बात ज्यादा बताएगा, बाकी कोई अंतर नहीं होता टीचर में, सारे टीचर अच्छे होते हैं। अध्यापक माँ बाप भी किसी के बुरे होते हैं क्या? तो टीचर भी कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सारे टीचर अच्छे हैं, पढ़ने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। अब कमियां निकालना है वो बात अलग है, या सस्ता कोर्स है। अच्छा सस्ता, मैं खुद पढ़ाता हूँ, 1500 रुपये में मैं ऑफलाइन और पूरा जीके पढ़ाया करता था, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता था क्या? मैं मेरी तरफ से अच्छी कोशिश करता था। तो ये तो कमियां निकालनी है वो अलग चीज है। मैं तो हमेशा से ही कम फीस में देता आया हूं और आगे भी देता रहूंगा, भले कितने भी के जितने ज्यादा बिकते हैं उतनी मैं फीस लो करते जाता हूं, क्योंकि जितना बढ़ाना है खर्चा, जितना टीम का खर्चा चलाना है और जितना ऐप का खर्चा चलाना है उतना चल जाता है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है ज्यादा करने की। मैं आज भी ये पंखा तो चला रखा है, वरना बंद कर देता हूं, कोई जरूरत नहीं है। एसी सिर्फ गाड़ी में बैठता हूं तभी चलाता हूं, बाकी बिना एसी ही सोता हूं मैं। सीकर रात हो भी कोई मकान में मैंने कभी एसी नहीं लगाई। यहाँ भी 5-7 स्टूडियो बने हुए हैं, सब स्टूडियो में एसी है, सिर्फ मैं जिसमें पढ़ाता हूं उसमें नहीं है। और इसमें जब होगी तो मैं दूसरा बनवा लूंगा, भी मैं वही पढ़ाऊंगा जहां गर्मी लगेगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से मैंने 7 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे, सिर्फ मोबाइल से। क्या ज्यादा फैसिलिटी दिखाने से कुछ होता है? अरे पढ़ने वाले तो झोपड़ी में पढ़ के IAS बन जाते हैं यार, क्या इन चीजों में ये फैसिलिटी है वो फैसिलिटी है यार? सिनेमा मारो है फैसिलिटी के, ऐप के ऊपर ही पढ़िया रहो आगे, पढ़ाई कौन करनी है? सिर्फ पढ़ाओ, वीडियो देख लो, बाकी क्या आपको ऐप में ही रखना है कि मुझे पूरे दिन एक पबजी और जोड़ दूं? क्या रहा कोई पबजी को और जोड़ दूं ताकि थोड़ा टाइम पास भी हो जाते, ऐप में थोड़ा बोर हो जाओ? इन बातों में क्या रखा यार? सिर्फ पढ़ाई के, एक किताब ले आऊं, एक अध्यापक पर्याप्त है, कोई 10 अध्यापकों की जरूरत नहीं। एक अध्यापक, एक बुक रट लो तुम, और उस बुक की इससे बाहर आया ना, एक बुक रट लो पूरी और फिर पेपर दे के आना, और एक बुक रट के फिर आपका सिलेक्शन ना होना, मुझे फोन करके गाड़ियां निकाल देना, सुभाष चरण मुर्दाबाद के नारे लगा देना। कहां जरूरत है 10-10 टीचरों से पढ़ने की, कहां जरूरत है 10-10 किताबें पढ़ने की? एक किताब में भी मैटर 80% से ऊपर आ जाता है, पिछला मिलान करके देख लो आप। तो क्या रखा है, कोई टीचर अच्छा बुरा थोड़ी होता है, टीचरों में कमियां निकालते हो। धन्य है वो महान आत्माएं जो अध्यापकों में कमियां निकालती है, उनके चरण स्पर्श करता हूं मैं यहीं से बैठा। अब पढ़ लो क्या रखा है इन बातों में।